नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड की न्यूली लॉन्च्ड इकोमेट स्टार 1815 एची का बारे में। ये जो ट्रक है ये 17.5 टन GVW का सेगमेंट में आने वाला एक ट्रक है और इस गाड़ी का जो पेलोड है वो 11.7 टन यानी 11,700 kg का इसका पेलोड है, जो कि शानदार है। ये जो गाड़ी है ये बेस्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग लंबी दूरी में गाड़ी चलाते हैं और चाहते हैं बहुत ही कम समय में उन लोगों का जो एक चक्कर है वो पूरा हो जाए और साथ ही एक बहुत ही बढ़िया माइलेज मिल जाए। इन सब सिचुएशन में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इस गाड़ी का फुल स्पेसिफिकेशन, माइलेज, ऑन रोड प्राइस और कुछ स्पेशल फीचर्स। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड का 8 चक्का ट्रक के बारे में जानना है जो कि दुनिया में पहली बार है, तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इस गाड़ी का जो GVW है वो है 17,500 kg का, यानी जो इस गाड़ी का जो GVW है वो है 17.5 टन का। और जहाँ तक बात है दोस्तों इस गाड़ी का इंजन का लेके, तो दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को अशोक लेलैंड का एस सीरीज़ का CRS टेक्नोलॉजी वाला इंजन आ रहा है, जिस इंजन में दोस्तों आप लोगों को IGN 6 टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात जो है दोस्तों, इस गाड़ी का इंजन का जो पावर है वो है 150 HP का, जो कि आ रहा है 2400 RPM में। और इस इंजन का जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा वो रहेगा 450 Nm का, जो कि आएगा 1250 से लेकर 2000 RPM का बीच में। ये जो इंजन है ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और एक सक्सेसफुल इंजन है, तो इस इंजन को लेकर कोई भी चिंता करने का बात नहीं है। और दोस्तों, इस गाड़ी का जो पेलोड आ रहा है वो आ रहा है 11.7 टन का, मतलब दोस्तों इस गाड़ी में आप लोग बढ़िया लोड लेके जा सकते हैं। और जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है इस गाड़ी का वो है 4x2 का। तो दोस्तों, इस गाड़ी में आप लोगों को टोटल 6 टायर मिल जाएगा और एक आप लोगों को स्टेपनी टायर मिल जाएगा। और जो टायर साइज़ इस गाड़ी में आ रहा है वो आ रहा है 10R20 का टायर साइज़ आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को 20 इंच का टायर मिल जाएगा, जो कि रेडियल और ट्यूबलेस दोनों ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और जो वेरिएंट इस गाड़ी में मिलेगा वो मिलेगा कैबिन विथ चेसिस और कैबिन विथ लोड बॉडी का, तो आपका एप्लीकेशन के हिसाब से आप कोई भी गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। और जो लोड बॉडी का ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा फिक्स साइड डेक, ड्रॉप साइड डेक और हाई साइड डेक, तो तीनों ही ऑप्शन में ये गाड़ी अवेलेबल रहेगा। और जो बॉडी लेंथ इस गाड़ी में आएगा वो आएगा 20 फीट का, 22 फीट का और 24 फीट का वेरिएंट। और जहाँ तक बात है वारंटी का, तो दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को 4 ईयर या फिर 4 लाख किलोमीटर का वारंटी आप लोगों को अशोक लेलैंड दे रहा है। और जो सर्विस इंटरवल रहेगा इस गाड़ी का ऑयल चेंज का, वो रहेगा 40,000 किलोमीटर का बाद। अब जान लेते हैं इस गाड़ी का कुछ फीचर्स। इस गाड़ी में आप लोगों को डे और स्लीपर क्लबिन दोनों मिल जाएगा, साथ ही इस गाड़ी में जो पेलोड है वो बढ़िया आ रहा है। और जो इस गाड़ी का एक्सेल है और जो इस गाड़ी का चेसिस है वो बहुत ही हैवी ड्यूटी चेसिस और एक्सेल इस गाड़ी में दिया गया है। और इस गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग हो रहा है वो केबल्स द्वारा हो रहा है, जिसके कारण से दोस्तों जो ड्राइवर रहेगा उसको बहुत ही कम थकावट होगा और इस गाड़ी को लंबी दूरी में ड्राइवर आराम से लेके जा सकता है। और दोस्तों, इस गाड़ी में आप लोगों को प्रोपेलर शाफ्ट मिल जाएगा, जिसके कारण से जो लुब्रिकेशन का दरकार होता है वो भी बहुत कम होता है। और जो क्लच दिया गया है वो यूनिलीवर क्लच दिया गया है, जिसके कारण से जो क्लच प्रेस करने में या फिर क्लच को ऑपरेट करने में जो एफर्ट लगता है वो भी बहुत कम लगता है, मतलब ड्राइवर को इस गाड़ी को चलाने में जो क्लच का जो प्रेस रहेगा वो बहुत ही लाइट रहेगा, मतलब थकावट बिल्कुल नहीं होगा ड्राइवर को। और अशोक लेलैंड का जो IGN 6 टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण से दोस्तों इस गाड़ी का जो इंजन है वो एक बढ़िया पावर के साथ ही एक बढ़िया माइलेज आप लोगों को दे देगा। और जो AdBlue कंजम्पशन रहेगा BS6 में वो भी बहुत कम रहेगा। और इस गाड़ी में एडवांस डिजिटल ड्राइवर असिस्टेंस ADDA मिल जाएगा, जिसके कारण से दोस्तों इस गाड़ी जो है ये गाड़ी खुद बताएगा इस गाड़ी को कौन सा गियर में चलाना है और गाड़ी को कब कैसे ऑपरेट करना है, जिसके कारण से दोस्तों इस गाड़ी का जो रिलायबिलिटी और साथ ही जो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ड्राइवर को भी इस गाड़ी को चलाने में बहुत ही आसानी होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं जैसे कि रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम और एग्जॉस्ट ब्रेकिंग, ये सब सिस्टम आप लोगों को इस गाड़ी में तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी एक फीचर लोडेड गाड़ी है। आगे बढ़ने से पहले और इस गाड़ी का कुछ एप्लीकेशन, प्राइस, माइलेज जाने से पहले, अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस गाड़ी के ऊपर, तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाए। और अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड का सभी ट्रक्स के बारे में जानना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये एक ICV सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है, यानी इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल। तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो एप्लीकेशन रहेगा वो रहेगा पार्सल और लॉजिस्टिक कैरियर में। और साथ ही दोस्तों, जो मार्केट लोड होता है जैसे कि दोस्तों जो FMCG गुड्स या फिर जो भी ग्रोसरी आइटम का जो गुड्स होता है, उन सब में ये गाड़ी बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, जो कच्चा माल होता है जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, वो भी इस गाड़ी में बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। और जो फ्रूट ग्रेन्स होता है जैसे कि दोस्तों जो पल्सेस, सीरियल्स, इसमें भी ये गाड़ी चलने वाला है। और जो वाइट गुड होता है, वाइट गुड्स मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, उसमें भी ये गाड़ी सक्सेसफुल होने वाला है। और जो डेयरी प्रोडक्ट होता है ऐसा मिल्क टैंकर, ये गाड़ी भी चलने वाला है। और जो सीमेंट और जो बल्क प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी ये गाड़ी चलने वाला है।
और जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता है जैसे कि दोस्तों जो स्टील पाइप्स या फिर जो भी अपना जो पीवीसी पाइप्स ये सब में भी ये गाड़ी चलने वाला है। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये एक न्यूली लॉन्च गाड़ी है, तो इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है अभी तक जो है वो नहीं निकला है। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो मैं तो शायद एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दोस्तों मेरे आइडिया में इस गाड़ी का जो प्राइसिंग रहेगा वो करीब 20 से लेकर 25 लाख का बीच में ही होगा। और जहां तक बात है दोस्तों इस गाड़ी का जो माइलेज, तो दोस्तों इस सीरीज का जो 4 सिलेंडर इंजन है उस गाड़ी का जो माइलेज है वो करीब 5 से 7 किलोमीटर पर लीटर का ही है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है इस गाड़ी का भी वैसे ही कुछ रहेगा, लेकिन ये वेरी कर सकता है क्योंकि इस गाड़ी का साइज और इस गाड़ी का जो वेट है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।